हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर वर्कशीट नंबर 49 फॉर द डेट 31st August 2020 एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज वर्कशीट इज डिस्क्राइबिंग वेदर। अब ये वर्ड वेदर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, है ना। वेदर रिपोर्ट यानी मौसम की जानकारी, उसमें क्या बताते हैं कि आज टेम्परेचर क्या रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, इज देयर एनी चांस ऑफ रेन टुडे और नॉट, ये सब चीज़ें बताई जाती है ना। तो आज हम उसी वेदर के बारे में इस वर्कशीट में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टास्क ए से। रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड गेस द वेदर। अब यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन पिक्चर्स को हमें देखकर जो नीचे वर्ड्स हैं ना उन्हें रीअरेंज किया करना है। उन्होंने हमें जंबल्ड वर्ड दे रखे हैं, हमें रीअरेंज करके बताना है ये कौन सा वेदर है। अब ये फर्स्ट पिक्चर हमारी, अब यहाँ पर क्या है, सन इज़ शाइनिंग, है ना, और पूरा ब्राइट डे है। तो उस ऐसे डे को हम क्या बोलते हैं, सनी डे। क्या बोलते हैं, सनी डे। तो अब हम इसे रीअरेंज करें तो ये बन गया हमारा सनी। क्या बन गया, सनी। अब यहाँ क्या हो रहा है, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ओहो यहाँ तो इतनी तेज़ हवा चल रही है कि जो ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल बेंट हो गए हैं, झुके जा रहे हैं। तो यानी क्या हो रहा है, विंड इज़ ब्लोइंग वेरी फास्ट। तो ये कैसा डे हो गया, विंडी डे। कैसा हो गया वेदर, ये विंडी। तो ये हो गया विंडी। और यहाँ क्या है, यहाँ तो स्काई में सिर्फ क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिख रहे हैं, सिर्फ क्लाउड्स ही। तो कैसा वेदर हो गया अब, ये हो गया क्लाउडी, क्योंकि सिर्फ हमें क्या दिख रहे हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं। तो ये हो गया वेदर क्लाउडी। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है, आजकल यही होता है ना, क्या हो रहा है, बारिश, रेन हो रही है। तो कैसा वेदर हो गया ये हो गया रेनी। कैसा वेदर हो गया, रेनी। अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क पे। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, अब इसे ज़रा ध्यान से देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर। टास्क बी, हाउ इज़ द वेदर टुडे। तो टुडे द वेदर इज़, अब आज का वेदर कैसा है, क्लाउडी है, सनी है, रेनी है, पार्टली क्लाउडी है, विंडी है, या एनी अदर, कि बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी, सनी मतलब सन चमक रहा है, खूब गर्मी हो रही है, रेनी बारिश हो रही है, पार्टली क्लाउडी कभी सन दिखता है कभी बादल छा जाते हैं, विंडी बहुत हवा चल रही है, या किसी और टाइप का, एनी अदर। तो आजकल है हमारा रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में कभी तो रेन हो जाती है और कभी हमारा पूरा दिन हल्का हल्का क्लाउडी निकलता है। तो यहाँ पर अब हमारा रेनी भी हो सकता है, कि हो सकता है हमारा वेदर आज रेनी रहे और हो सकता है पार्टली क्लाउडी रहे। और वेदर तो ऐसा है कि सुबह मौसम खूब धूप हो रही होती है और दोपहर तक आते आते आफ्टरनून में एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। तो हमारा वेदर कुछ भी हो सकता है। टास्क सी, रीड द फ्रेजेस गिवन बिलो, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल। अब हम सबसे पहले टेबल देखते हैं फिर फ्रेजेस को देखेंगे। अब टेबल क्या है, टेबल में फर्स्ट कॉलम दिया हमें यहाँ पर व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कांट डू, कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते हो, पर कब, यहाँ पे दिए हैं हमें कंडीशन, ऑन ए हॉट सनी डे, जब बहुत गर्मी हो रही हो तब आप क्या कर सकते हो, ऑन ए क्लाउडी डे, जब बादल छाए हुए हों तब आप क्या कर सकते हो, ऑन अ विंडी डे, जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो तब क्या कर सकते हो, ऑन अ रेनी डे, बारिश वाले दिन क्या कर सकते हो, और ऑन ए फॉगी डे, फॉग यानी सर्दियों में जब फॉग हो जाता है, दिन दिखाई नहीं देता, धुंध ही धुंध छाई होती है, तब आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो अब हम फ्रेजेस देखते हैं, हमारे फ्रेजेस क्या क्या हैं। सी द सन, सन देख सकते हैं, वियर अ स्वेटर, स्वेटर पहन सकते हैं, फ्लाई अ काइट, काइट उड़ा सकते हैं, गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना अम्ब्रेला के बिना छाता लिए बाहर जा सकते हैं, एन्जॉय अ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, उसे एन्जॉय कर सकते हैं, सी अ रेनबो, रेनबो देख सकते हैं, वॉक और ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, यानी रोड पर
चलना, ध्यान से चलना होगा और ध्यान से ड्राइव करना होगा. यूज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को यूज कर सकते हैं. एंड वॉच द क्लाउड्स, बादल देख सकते हैं. तो अब सबसे पहला है हमारा हॉट सनी डे. अब हॉट सनी डे में क्या हम सन देख सकते हैं, सीधा सन? नहीं, हम सन नहीं देख सकते. तो ये क्या आ जाएगा, वी कांट डू. तो हम इसे यहाँ डाल देते हैं, सी द सन, क्योंकि वो बहुत ब्राइट होता है, हम उसकी तरफ डायरेक्टली देख ही नहीं सकते. वियर अ स्वेटर, स्वेटर पहन सकते हैं हम हॉट सनी डे पे? वो भी नहीं पहन सकते. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वियर अ स्वेटर. यानी इस तरह से हमें बहुत सारे फ्रेजेस मिल जाएंगे. फ्लाई अ काइट, हॉट सनी डे पे तो काइट भी फ्लाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं. तो आपको जो लगता है कि एक गर्मी वाले दिन, जिस दिन बहुत गर्मी हो रही है, हम क्या नहीं कर सकते, वो हम इस कॉलम में लिखेंगे, और जो हम कर सकते हैं वो हम इस कॉलम में लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जब खूब गर्मी होगी तो हम क्या करेंगे, हम एन्जॉय करेंगे एक कोल्ड ड्रिंक. एन्जॉय अ कोल्ड ड्रिंक, मज़ा आता है ना गर्मी में ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक मिल जाए एकदम पीने के लिए. तो ये हो गया हम जो कर सकते हैं एक हॉट सनी डे पे. और कांट डू, हम तो उस दिन रेनबो भी नहीं देख सकते, है ना. और हॉट सनी डे पे और क्या कर सकते हैं, हम अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, रेन से बचने के लिए नहीं, धूप से बचने के लिए. तो यूज़ एन अम्ब्रेला, हम धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला भी यूज़ कर सकते हैं. क्लियर. आप आते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन पे, वेदर कंडीशन. नेक्स्ट क्या है, ऑन अ क्लाउडी डे, जिस दिन बादल छाए होंगे. जब बादल छाए होंगे तो बादल देखे जा सकते हैं ना, तो यानी वी कैन वॉच द क्लाउड्स. तो व्हाट यू कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, वॉच द क्लाउड्स, हम बादल देख सकते हैं, है ना. और क्लाउडी डे में और क्या कर सकते हैं, काइट भी उड़ा सकते हैं, फ्लाई अ काइट, क्योंकि गर्मी थोड़ी कम होती है जब क्लाउडी डे होता है, तो हम काइट भी उड़ा सकते हैं. और वॉट यू कांट डू, क्या नहीं कर सकते उस दिन, जिस दिन क्लाउडी डे हो, क्या आप रेनबो देख सकते हो उस दिन? नो. तो सी द रेनबो, हम उस दिन रेनबो नहीं देख सकते, क्योंकि वो सिर्फ क्लाउडी है, रेनी नहीं है, है ना. अब आ जाते हैं नेक्स्ट वेदर कंडीशन, ऑन अ विंडी डे, जिस दिन हवा चल रही हो. तो जब हवा चल रही होती है, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, काइट फ्लाइंग में, क्योंकि काइट और हवा उसे सपोर्ट करती है, विंड से सपोर्ट मिलती है और ऊंची उड़ जाती है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्लाई अ काइट, सबसे ज़्यादा मज़ा तो इस काम में ही आता है. और क्या नहीं कर सकते, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हो जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो, अम्ब्रेला लेके चलो एक बार, अम्ब्रेला जो है पूरा उल्टा ही हो जाता है ना, हाथ से उड़कर जाने को तैयार हो जाता है. तो हम उस दिन अम्ब्रेला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे. नेक्स्ट वेदर कंडीशन है ऑन ए रेनी डे. अब रेनी डे पे हम क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, है ना. रेन से बचने के लिए ऑब्वियसली हमें अम्ब्रेला तो चाहिए ही चाहिए, तो हम अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं, रेनबो, सी अ रेनबो. रेनी डे में हमें रेनबो भी देखने का मौका मिल जाता है. और व्हाट यू कांट डू, क्या नहीं कर सकते, बिना अम्ब्रेला के बाहर जाकर देखो. तो बारिश में हम क्या नहीं कर सकते, गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना अम्ब्रेला के बाहर नहीं जा सकते. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना, ये काम हम नहीं कर सकते. और एक काम जो हमें करना चाहिए बारिश में, वो क्या है बेटा, वो है वॉक एंड ड्राइव केयरफुली. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम तेज़ी से चलने की कोशिश करेंगे या भागने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, स्लिप हो जाते हैं. सिमिलरली अगर हम ड्राइव भी ध्यान से नहीं करेंगे तो जो कार के टायर्स हैं वो भी स्किट हो जाते हैं. तो हमें रेनी डे पे एक काम और करना चाहिए, कर सकते नहीं है, ये काम हमें करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए. वी शुड, यहाँ पे हम लिखेंगे वी शुड वॉक और ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड.
तो आप ये पॉइंट जो है वो भी यहाँ पर नीचे ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट वेदर कंडीशन, ऑन अ फॉगी डे। सर्दियों में सुबह सुबह उठते हैं, जब स्कूल जा रहे होते हैं, बाहर देखते हैं बिल्कुल वाइट वाइट सा, जैसे ब्लैंकेट, किसी ने वाइट ब्लैंकेट बिछा दिया हो बाहर, धुंध छाई होती है, थोड़ी सी दूर का भी नहीं दिख रहा होता है ना, ऐसा मौसम यानी सर्दियों का मौसम। तो उस मौसम में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, सर्दियों का मौसम है, विंटर सीजन है, तो वेयर अ स्वेटर, हम स्वेटर पहन सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं, करने को तो कर लो, लेकिन कोल्ड हो जाता है फिर, है ना, यानी ये काम हमें नहीं करना है। और हम क्या नहीं कर पाते उस दिन? हम सन देख सकते हैं? नहीं देख पाते हम सन। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इतना फॉगी होता है, हमें सन दिखता ही नहीं है, आसपास का ही नहीं दिख रहा होता, तो हम सन भी नहीं देख सकते। तो है ना कितना मज़ेदार, इन फ्रेजेस में से, यहाँ से ये फ्रेजेस चुन के हमें ये देखना है, खुद डिसाइड करना है कि हम इस मौसम में क्या करते हैं और क्या नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें हमें इन कॉलम्स में फिल करनी है। अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या है हमारे पास? लेट्स मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। अब ये हैं हमारी पिक्चर्स यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जो वेदर से रिलेटेड हैं। अब फर्स्ट पिक्चर में क्या है? फर्स्ट पिक्चर में क्लाउड भी है और सन भी है, यानी ना तो कम्प्लीटली क्लाउडी है ना कम्प्लीटली सनी है। तो कैसा हो गया ये? पार्टली क्लाउडी। कैसा वेदर हो गया? पार्टली क्लाउडी। तो पार्टी क्लाउडी कहाँ लिखा है हमारे पास? ये लिखा हुआ पार्टी क्लाउडी। तो हम इसके आगे इसका नंबर कितना है? 1। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यानी ये मैच हो गया। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में यहाँ बादल हैं, और बादल के नीचे क्या है? बिजली चमक रही है, है ना, बादल होते हैं और एकदम से बिजली कड़कती है, डर भी लग जाता है। तो यानी थंडर एंड लाइटनिंग, कि थंडर भी है, बादल गरज भी रहे हैं, और लाइटनिंग यानी बिजली भी चमक रही है। तो थंडर एंड लाइटनिंग नंबर कितना है? ये 2। तो इसके आगे हम लिख देते हैं 2। थर्ड पिक्चर में कितना धुंधला धुंधला है ये? तो धुंधला धुंधला कब दिखता है? जब फॉगी वेदर होता है, है ना। तो यानी ये नंबर 3 जाएगा हमारा फॉगी के आगे, ये हो गया फॉगी। और लास्ट है, ये है बादल, और बादल में से क्या गिर रहे हैं? हेल्स। हेल्स पता है क्या होते हैं? ओले। तो ये ओले गिर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं हेल स्टॉर्म। क्या बोलते हैं? हेल स्टॉर्म। तो ये नंबर 4 कहाँ चला जाएगा? हेल स्टॉर्म के सामने। तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। हम इन्हें डायरेक्ट मैच भी कर सकते हैं लाइन्स के थ्रू, जैसे ये मैच कर दिया, ऐसे भी मैच कर सकते हैं, और हम नंबर्स के थ्रू भी मैच कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की मज़ेदार वर्कशीट, और इस वर्कशीट को कीजिए, आज का वेदर एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।